लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह कई अधिकारियों के साथ नासरीगंज से दीदारगंज तक गंगा घाटों का जायजा लिया। गौरतलब हो कि चार दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर गंगा घाटों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही नगर निगम को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। सर, छठ पूजा को लेकर गंगा घाट का निरीक्षण किया गया, कितने घाटों का सर ये है? छठ महापर्व को देखते हुए हम लोगों ने गंगा के घाटों का निरीक्षण किया है, नासरीगंज से लेकर के दीदारगंज तक, और लगभग हम लोगों के 92 घाट्स हैं जिनको हम लोगों ने देखा, छोटे बड़े सब मिलाकर। इसमें कुछ घाट हमारे खतरनाक हैं, जैसे सिद्धि घाट है, भगवान घाट है, और हमारा जो बांस घाट है, ये सब खतरनाक है। कटाव बहुत हुआ, पानी अभी बहुत है वहाँ, तो हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं पानी, चूँकि वाटर जब लगातार बढ़ रहा है, जो उत्तराखंड हाल में बारिश हुई थी, लेकिन अभी हम लोगों को सूचना मिली है कि कानपुर में घटना शुरू हो गया है, और कल से हम लोगों ने कल शाम से हम लोगों की घटना शुरू हो जाएगा। तो अभी समय है, लगभग 10 से 12 दिन समय है, उसमें तेजी से पानी घटेगा, उसको देखते हुए हम लोग बाकी जो बैरिकेडिंग था और सबका काम कराएंगे। और अभी जो अवेलेबल है हम लोगों के पास घाट का लैंड, उस पर काम शुरू हो गया है नगर निगम की तरफ से, और जितने हमारे संपर्क पद हैं उनकी साफ सफाई और उनका उनको मोटरेबल बनाना, ये सब काम हम लोग तत्काल शुरू कर रहे हैं। जी सर, वर्तमान समय में जो घाट की जो जर्जर घाट है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी सर जिला प्रशासन की तरफ से? अभी ये हम लोग तो जो जितने उपयुक्त घाट हैं उन सभी पर तैयारी करा रहे हैं, बाकी जो खतरनाक है उसको तो प्रतिबंधित रखेंगे, बंद रखेंगे। और बाकी लोगों से लोगों की अपील है कि अगर उनके घर में व्यवस्था है, उनकी कॉलोनी में व्यवस्था है, उनके मोहल्ले में व्यवस्था है, तो वही करें, बेहतर रहेगा कोरोना के हिसाब से भी और यहाँ जो भीड़ भाड़ होती है उसके हिसाब से। सर, भीड़ भाड़ वाले घाटों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन हो गए कोरोना गए? हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे, वॉच टावर, बैरिकेडिंग, ये सब कार्यवाही हम लोग करेंगे, और भीड़ नियंत्रण के लिए भी सारा जो अरेंजमेंट होता है वो सब हम लोग करेंगे।